प्रधानमंत्री जी, एशियानेट, सुवर्णा न्यूज, एशियानेट न्यूज, कनाडा प्रभा और एशियानेटन्यूज.com से बात करने के लिए 2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्ट्री मिली आपको, फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इस बार बहुत जरूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्ट्री का क्या मेल है? देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र में मैं तो चाहूंगा हर एक राजनीतिक दल में ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़े, लोगों का विश्वास जीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो भी अपने सपने हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ही ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी न कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के आधार पर देश की सेवा करेंगे। ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, देखिए 2014 में जब हम आए थे तब एक 5-6 दशक का कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, इतना मीडिया भी नहीं था और न ही इतनी मीडिया में वाइब्रेंसी थी। यानी एक प्रकार से उनके लिए ऐसा खुला मैदान था और देश भी उनके साथ था, क्योंकि आजादी के आंदोलन के बाद जो भाव थे वो जो चाहते वो देश कर लेता, लेकिन वो मौका गंवा दिया और धीरे 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 डिटोरेशन पर आया। और उस परिस्थिति में 2013 में, जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक वो मौका गंवा दिया
और धीरे 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 डिटोरेशन पर आया। और उस परिस्थिति में 2013 में, जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था, लोगों के दिल में भी उम्मीद थी और मेरे मन में भी उम्मीद थी कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और 5 साल में सरकार चलाना मतलब मैं शासन नहीं करता हूं, मैं सेवा करता हूं। सरकार चलाने का मतलब मैं पद पर बैठ करके मौज करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक से भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूं लोगों के लिए। लोगों ने बड़े निकट से हमारी सरकार के कामों को देखा। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। जन सामान्य का इतना विश्वास, उसने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं, हम सबके लिए जो काम करने का सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मंत्र लेके चले हैं, उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं। और उसका परिणाम ये आया कि 2019 का कालखंड एक विश्वास का कालखंड रहा, और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव, और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। यानी कभी उम्मीद, फिर विश्वास, और अब गारंटी। और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है कि आज दुनिया में जो भारत का के प्रति भरोसा बना है, आखिर विश्व ने, हिंदुस्तान ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों को देखा है, अस्थिर सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया है, विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया बहुत ही एक प्रकार से कोई वैल्यू ही नहीं था, लेकिन स्थिर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मतदाताओं ने देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है, और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। तो आप जगह जगह जा रहे हैं, मोदी जी सभाएं कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको, लोगों के रिएक्शन के ऊपर? मैं सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम करता हूं, मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो मैं माहौल को समझ पाता हूं। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन उस वाइब्रेशंस को समझ पाता हूं, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं जहां जहां गया हूं, और मैं कोई चुनाव के समय दौरा करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं हफ्ते में नॉर्मली हर फ्राइडे सैटरडे संडे कहीं न कहीं जाता हूं, सरकार के कामकाज करता हूं, वो भी मैं जनता के बीच में करता हूं, और उसके कारण मुझे बदलता हुआ माहौल वो सब उसका मुझे अंदाज आता है। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि ये जो एक तरफा वातावरण दिख रहा है वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पैदा नहीं हुआ है, ये पिछले 10 साल में निरंतर बढ़ता गया है, और लोगों का अप्रत्याशित समर्थन। दूसरी तरफ मुझे बताइए
सामान्य मतदाता है, आप ही एक अगर मतदाता है तो आप मतदाता के नाते वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? पहले तो आप सोचेंगे कि ये देश किसको दे रहा हूं, किसके हाथ सुपुर्द कर रहा हूं। तो आप जो भी लोग दिखते हैं कंपैरिजन करेंगे, फिर आप तक नहीं इनको देश उनको सुपुर्द कर सकते हैं। क्यों? तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो बात बताते हैं और जो करते हैं, उन सब के आधार पर एक मन बनता है। दूसरा, उनके हमारे साथी कौन है, हमारी सोच क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, दूसरे स्टेज पर वो देखता है। औरों के कारनामे कैसे रहे हैं, अनुभव कैसा रहा है वो देखते हैं। दूसरा, इस बार के चुनाव का एक सद्भाग्य है कि 2014 में मतदाताओं को कंपैरिजन के लिए अवसर बहुत कम था, एक गुस्सा था मोदी को लाओ, अब उनके पास कंपैरिजन, अच्छा भाई वो ऐसा करते थे मोदी ऐसा करता है, वो ये गलती करते थे मोदी ये गलती नहीं करता है, वो ये बुराई करते थे मोदी नहीं करता है, और इसलिए अब कंपैरिजन के बाद वो नतीजे पर पहुंच रहे हैं, और इसलिए मैं उनकी आंखों में प्रेम तो देखता ही हूं, आकर्षण भी देखता हूं, लेकिन साथ साथ उनकी आंखों में जिम्मेवारी में देखता हूं। वो जिम्मेवारी कहते हैं कि ये चुनाव हम जिताएंगे, मोदी जी आप शांत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, ये मैसेज है। उम्मीद दिखाई दे रहा है लोगों में, उम्मीद से भी कोई कहीं अनेक गुना ज्यादा है। गारंटी, विश्वास गारंटी, दैट इज द प्रोग्रेस। आपकी अभी तक की सरकार बहुत ही 2014 से ही है टोटली एंटी करप्ट, कभी किसी ने कुछ लांछन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है। बिलीफ है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गवर्नमेंट रन करते हैं। उसके बाद भी अभी जैसे ईडी के अरेस्ट वगैरह हुए हैं, कई लोग उसमें कहते हैं कि मिसयूज हो रही है सेंट्रल एजेंसीज आपके पॉलिटिकल रीजंस के लिए। एंटी करप्शन का है प्लैंक लेकिन इसके लिए हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं 13 साल तक एक राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार चलाता था, तो अच्छा आर्थिक रूप से अच्छा राज्य, उसमें मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला, और पिछले 10 साल से यहाँ हूँ, तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं, तो मेरे साथ वाले हैं वो भी मेरा जीवन देखते हैं, वो मेरे उसूलों को देखते हैं, और बाय एंड लार्ज हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत लीडर का अगर एक है कि भाई इन चीज़ों में मेरे वैल्यूज हैं, तो फिर कोई सर्कल के बाहर पैर नहीं रखता है। दूसरा, मैं प्रारंभ से मेरा एक आग्रह रखा है कि मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, एडवोकेटिव नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी रखो। पॉलिसी में गलती हो सकती है, लोगों को आलोचना करने का हक है, लेकिन जब पॉलिसी होती है ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, तो किसी भी अफसर को इप्स एंड बट्स का अवसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का अवसर नहीं मिलता है, उसको ये मानना पड़ता है कि ये तो बाएं जाए या दाएं जाए, और इसके कारण जो नागरिक है उसको भी लगता है भाई ये मेरे हक का है मुझे मिलेगा, ये मेरे हक का नहीं नहीं मिलेगा, तो उससे एक विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए, पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था, मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी तेपस्वी देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर लेंगे ये अच्छा है और बुरा है। फिर मैंने कहा नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडाटा है इसके आधार पर अप्लाई करें, और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं, पहले 200 आएंगे कंप्यूटर से उनको ऑर्डर दे दो, हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से भी कहा जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं, और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट सबसे ज्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वहीं होता है, हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी, आज मुंबई की फाइल गुवाहाटी में देखी जाती होगी या चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है, और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीजें देखता है,
तो लोगों का विश्वास भी बनता है और काम भी शुरू। सर्विस में हमने डिजिटल अप्रोच लिया, ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमारा जैम पोर्टल है, आप जैम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जैम पोर्टल पर जाए, कोई कर्फ और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टी फैसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीजों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है, तो बीच में कोई ना कोई पंजा तो खा ही जाता था। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवीय को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई के मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे थे। मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने। वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों? ये उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते हैं, उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग, 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। भी अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, 3% सिर्फ है जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, 97% दूसरा है। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार से सिर्फ रुपया पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए एक ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया, मुझे बताइए कितना भयंकर नुकसान होगा। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक, बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए, जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है, 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 1800 किया। 2014 के बाद हमने 10 साल में हमारे यहां कारखंड में ईडी ने 5000 से ज्यादा केसेस किए हैं। ये उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है। 2014 से पहले ओनली 84 सर्चिज कंडक्ट की गई थी, ओनली 84। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सोया पड़ा था। 2014 के बाद 7000 सर्चिज हुई है, 2014 के पहले, यानी उनके 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपीज की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी।
2014 के बाद 125,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, ये देश की संपत्ति है जी। अब मुझे बताइए ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है एफिशिएंसी, बड़े स्केल पर एक्टिविटी और स्वतंत्र रूप से। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। पॉलिटिशियनों ने ऐसी संस्थाओं को अंदर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और इसलिए भले मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं ईडी के काम के अंदर रुकावट डालूं। क्लियर फोकस साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका, मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे उतना ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ, अब 131 से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं उनमें से 50 से ज्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा ने अपर कास्ट की पार्टी, रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज्यादा एससी है, सबसे ज्यादा एसटी है, सबसे ज्यादा ओबीसी, ये सारे हमारे सबसे ज्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी है। फिर बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है, आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरान पंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती, आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व तो पूरा कर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं वो गलत है। दूसरा, आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए ये लोगों को जानकारी दीजिए आप, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं उनकी पहचान क्या बन गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, सब जगह पे क्या पहचान है। आज हम पुडुचेरी में सरकार में है, पुडुचेरी साउथ में है, पता होना चाहिए हम सरकार में है। और आप अंडमान निकोबार, हमारा सांसद जीत करके आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है, पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है जी। अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में, कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी, वो दूसरी सीट की तलाश में है, ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे, और मेरे कहने के एक महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी, और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहां पर
जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था, लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड था। और अब मैं पक्का मानता हूं कि जो मिथ है वो टूटेगा। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे। वोट शेयर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। कर्नाटक से आता हूं मैं और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2,000 रुपये महिलाओं को जाती है, ये सब गारंटी स्कीम्स फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1,00,000 रुपए हर महिला को और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं, लेकिन मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरे पास इतना लंबा अनुभव है और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, यानी मेरे देश के लोग। किसी समय हम सारे कहते थे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था। आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज्यादा देश को प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके, अब देखिए कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दें, मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती है। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना है सरकार का दायित्व है, ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है। लेकिन उसके तरीके क्या, जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2,000-3,000 की दवाई लगती है तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर एक आज 80% डिस्काउंट हो गया तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूंगा। अब देखिए बिजली बिल कम करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब योजना लाई। जो एलईडी बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए मिलता था वो मेरे जमाने में 40 रुपए आ गया। एलईडी बल्ब के कारण उसका 20-30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं पीएम सूर्य घर योजना लेके आया हूं, आप सोलर पैनल लगाइए, 0 बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर की बिजली का उपयोग करिए और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं उसी से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी 0 बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट भी है, एट द सेम टाइम
उसके सर पर आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास, और इन सब प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है, पहले गरीबी हटाओ के नारों पूरा 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है, मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है। आप क्योंकि आप जनौषधि केंद्रों पर बोले, एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई बुजुर्ग खड़े होके बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस था आपका, 5,000 रुपए पहले औषधि का खर्च आता था, अब 1,600 रुपए कम हुआ है और मैं बचे हुए पैसों से फल खा पा रहा हूँ। आप भी बहुत भावुक हुए थे, बात करते करते बहुत भावुक हो गए थे आप। लगता है ऐसे बहुत सुकून देते हैं ऐसे योजनाएं। Yeah, I'm from Kerala and more interested in Kerala. You seem to be more focused in Kerala than previous years. And whenever you come to Kerala, you focus on the cooperative sector and the looting of public money. It is, can I expect some actions, sir? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के हर हिस्से की सेवा करने। राजनीतिक फायदा हो वहां करो काम, राजनीतिक फायदा न हो वहां न करो काम, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। 1967 में जनसंघ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन केरल में हुआ था। क्या मतलब, हमारे लिए केरल सत्ता पाने के लिए एक मैदान है ऐसा नहीं है, हमारे लिए केरल भी वैसे ही सेवा क्षेत्र है और हम सेवा करते हैं और हम उतने ही लगन से पहले से कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया है, पॉलिटिकल मर्डर किए गए हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी वहां सेवा, मां भारती की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं। और लेप की कैडर पर अदालतों ने सजाएं फरमाई हमारे लोगों की हत्याओं के खिलाफ, कई लोग उनके जेल में हैं। तो उसके बावजूद क्यों हम, हमारे लिए कच्छ हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हमारे देश का हर कोना हमारा है और इतने में करें। दूसरी बात है, आपने देखा होगा त्रिपुरा किसी जमाने में लेफ्ट 3-4 दशक तक उनका था, जैसे बीजेपी आई तो लोगों को पता चला कि ये तो लूटते थे। त्रिपुरा में बीजेपी इतना अच्छा काम करे लोगों के, और बार बार बीजेपी को अब त्रिपुरा में लोग जिताने लगे हैं। वैसा ही बंगाल केरल के अंदर इतना भ्रष्टाचार की गंध भरी पड़ी है, लेकिन व्यक्ति इकोसिस्टम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं। और इसलिए इस चुनाव में जब गया मैं कोऑपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूं कि ये सामान्य मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है, ये इसको माफ नहीं किया जा सकता। गरीब परिवार बैंक में पैसा रखता है ना, तो उसको लगता है चलो ब्याज यहां ज्यादा मिलेगा, तो उसको लगता है कि भाई पैसा रखता हूं तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लूंगा, और बड़ी मेहनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है। फिशरमैन के पैसे हैं, किसान के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं, और करीब 300 कोऑपरेटिव बैंक है जो पूरी तरह ये लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं, और करीब 1,00,000 करोड़ रुपया केरल के गरीबों का, सामान्य मानवीय का उसमें पड़ा हुआ है। अब आप उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, उसके संचालन करने वालों ने उनके पैसों की चिंता नहीं की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली। अभी एक बैंक में हमने जो कार्रवाई की तो उसमें करीब 90 करोड़ रुपए हमने अटैच किया है, और मैंने अभी लीगल एडवाइज में ले रहा हूं कि ये जो 90 करोड़ रुपए हैं, जिनके पैसे बैंक में थे इनको वापस कैसे मिले। मैंने ईडी से भी आग्रह किया कि भाई हम देना शुरू करें और जो लूट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपीस जिस प्रकार से पकड़े थे वो संबंधित जिसका था उसको वापिस किया है, 17,000 करोड़ रुपीस। और इसलिए मैं केरल में इन 300 बैंक का जो घपला इन्होंने किया है
अरबों खरबों रुपये की ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, गरीब है। और मैं मानता हूं उसको, मैं गंभीरता से मैंने लिया है, और मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, मैं सामान्य मानवीय के जीवन का मुद्दा है जी। There is a lot of discussion between this north-south divide, and it's alleged that the central government is showing a stepmother attitude to the southern states like Karnataka and Kerala. Kerala has also filed a case in the Supreme Court. Karnataka mein government aapke upar aarop lagati hai ki jitna tax hum dete hain usme se bahut kam hame wapas mil raha hai. Agar aise hi chalta raha to separate nation karne ki pehli baat hai ki hum sab माँ भारती के कल्याण के लिए हम सबका दायित्व है, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, 140 करोड़ देशवासियों का हमारा जिम्मा है। व्यवस्था के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिले हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य, भारत सरकार का भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि केरल के भी किसी गांव के व्यक्ति को सुविधा के लिए जो योजना बननी चाहिए उसको मिलना चाहिए, कर्नाटका के भी किसी व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत संविधान का स्पिरिट यही है हमको। अब मुझे बताइए, हिमालय से नदियां निकल रही हैं और हिमालय के जो राज्य हैं वो कह दे कि पानी कहीं किसी कोई मालिक नहीं है तो मेरी मालिकी है, तो देश चलेगा क्या? कोयला की खदाने हमारी एक स्थान पर है और हम कह दें कि हम मेरे यहां से कोयला बाहर नहीं जाएगा तो और राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सोच ठीक नहीं है जी। ये संपत्ति सब देश की है, कोई हम उसमें से मालिक नहीं है। दूसरी बात है, ये व्यवस्थाएं संविधान में निर्धारित नियमों से चलती है, कोई सरकार अपनी मर्जी से नहीं करती है। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया, उसने एक ऐसा बड़ा जबरदस्त निर्णय किया, पहले 32% डिवोल्यूशन था, उन्होंने 42 कर दिया। अब सब तरफ से मेरे दबाव था, साहब 42 कर ही नहीं सकते, देश चल नहीं सकता है, आप सरकार चला नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। और सरकार को हक है उसमें से 10 में से 5 चीजें लेनी, 3 लेनी, 2 लेनी, 10-10 लेनी, न लेनी, सरकार के पास अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। लेकिन जब मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई मैं जानता हूं, अफसरों ने कहा साहब ये तो बहुत मुश्किल होगा, भारत सरकार चला रही मुश्किल होगा, इतना डिवोल्यूशन हो जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, ये मेरा प्रारंभ है, मुझे राज्यों को पर भरोसा है, राज्य भी अच्छा करेंगे, पैसे जाने दो राज्यों के पास। और हमने 32 का 42 वैसा का वैसा फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार किया। अब यूपीए के कालखंड में मनमोहन सिंह जी जब थे और रिमोट सरकार चलती थी, तब कर्नाटका को डिवोल्यूशन का 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने करीब करीब 3,00,000 करोड़ रुपए दिए हैं। केरला यूपीए के समय 46,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, हमारी सरकार ने 1,50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये आंकड़े तो बताते हैं, तमिलनाडु यूपीए के समय तमिलनाडु को 95,000 रुपए, तब की वो सरकार में पार्टनर थे, ये केरल वाले भी सरकार में दिल्ली में पार्टनर थे, हम नहीं बैठे थे, वो बैठे थे, उस समय करीब 95,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु को मिला था। आज करीब करीब 3,00,000 करोड़ यानी 2,90,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु को मिला है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। कोई भी जिम्मेदार, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ बैठी है, जो नेशनल पार्टी है, जो 5-6 दशक तक देश चला चुकी है और ऐसी हरकतें और ऐसी गंदी प्रवृत्तियों में हिस्सेदार बन गई है। आपने अभी जिस तरह बात की, आपने समझाया कि फैलाया जा रहा है, वो ईस्ट वेस्ट डिवाइड की आजकल बहुत ही ज्यादा बात होने लग गई। आपने देखा है कर्नाटका में एक एमपी ने तो खड़े होकर कुछ कहा जैसे कि देश के बंटवारे की बात होने लगती है।
आप इस तरह के बिल्कुल अजीब सी और इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू वांट टू हैंडल सच स्ट्रेंज कमेंट्स दैट पीपल मेक? पहली बात है, देश के राजनीतिक दल भारत के संविधान को समर्पित होने चाहिए और भारत का संविधान हम सबको देश की एकता और अखंडता का दायित्व देती है। अगर कोई इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है उसको उस राजनीतिक दलों ने बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और कभी कभी लगता है कि कोई एक आध बार बोल गया, ये जो बीज है ना, पता नहीं कब कौन सी ताकत आकर के उसको खाद पानी डाल करके वटवृक्ष बना देंगे। तो तत्कालीन स्वार्थ के लिए ऐसी भाषा से बचना चाहिए, ऐसे इरादों से बचना चाहिए और ये देश को बहुत बड़ा नुकसान, कोई भी सरकार रहे ये भाषा कभी भी लाभ नहीं करेगी जी। मैं जब गुजरात में था मेरे साथ बहुत से अन्याय होते थे जी, केंद्र सरकार से हर प्रकार के अन्याय हुए थे, लेकिन मेरा एक ही मंत्र रहता था और पब्लिकली रहता था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम सब मिलकर के इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है तो इसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और कर्नाटक में सूखा पड़ा है सर, ऐसे मामले अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे हैं, सूखा पड़ा है और जैसे फंड्स केंद्र सरकार से जो आने चाहिए नहीं आए हैं, ऐसे करके रिट पिटीशन डाले हैं और चर्चा बहुत हो रही है कर्नाटक से, हुआ क्या है मोदी जी? देखिए ये हमारे समय से नहीं, लंबे अरसे से कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित हो चुकी हैं। देखिए कोई भी आपदा उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, किसी भी इलाके में आपदा हो, कैलेमिटी हो, उसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि वहां की सरकार है भुगतेगी, जी नहीं। आपदा आती है, कैलेमिटी आती है तो सरकार तो बाद में, सबसे पहले नागरिक परेशान होता है और हम सबका जिम्मेवार नागरिकों के प्रति है और इसलिए ये राजनीतिक खेल का मैदान ही नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये अत्यंत संवेदनशील है। दूसरा पद्धति क्या है, SDRF 900 करोड़ रुपए का फंड ऐसी कैलेमिटी के लिए, केंद्र सरकार का हिस्सा समय पर उनको जा चुका है, ये कोई बकाया नहीं है। दूसरा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जब ऐसे विशेष कैलेमिटी आती है, चाहे बहुत बाढ़ आ जाए या चाहे ड्राउट हो या चाहे कोई और बात हो, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम होती है जो भी सभी सरकारों की परंपरा है, ये कोई मेरी सरकार की परंपरा है, वो वहां जाती है, अफेक्टेड एरिया में जाती है, वो उसका सर्वे करती है, दौरा करती है, सरकार अपना पिटीशन देती है, फिर एक कमिटी होती है जिसमें पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वे मिलकर के जायजा लेते हैं। अगर ऐसी विशेष परिस्थिति आई जो 900 करोड़ के उपरांत भी कोई जरूरत है तो उसको दिया जाता है। भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई ऐसे संकट के समय हम और अधिक मदद करना चाहते हैं, इलेक्शन हमें कमीशन को परमिशन दे। लेकिन राजनीतिक हथियार के फायदा ले गए, आजकल फैशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अड़ंगे डाल दो। अब केरल के लोग गए थे, कैसी उनको डांट पड़ी है जी, कैसी बेइज्जती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा उनको लताड़ दिया। अब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ भी कर लो, बात ये सत्य बताओ लोगों को। और मैं मानता हूं ये मीडिया का काम है कि हकीकतों को सच्चे अर्थ में लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि देश का नुकसान ना हो, न भारत सरकार की भलाई के लिए करना चाहिए, न राज्य सरकार की भलाई के लिए करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए सच्चे तराजू से तोल करके रखना चाहिए। बहुत ज्यादा आजकल बातें हो रही हैं कि जो नॉन बीजेपी रन स्टेट है उनके गवर्नर में और सरकारों में बहुत तनातनी चलती है, आपका उसके बारे में क्या कहना है, ये किस तरह क्यों ऐसा हो रहा है? आप, मैं पहले गवर्नर के पहले एक बात बता रहा था, मैं जरा इनको पूछना चाहता हूँ, 5-6 दशक तक जो सरकारें चलाने का जिनको अनुभव है, दुनिया के
दुश्मन देश भी हो ना, होस्टाइल कंट्री हो, विरोधी कंट्री हो, वहां भी जो हमारे मिशन होते हैं ना, उन मिशन की पूरी चिंता वो रिस्पेक्टिव कंट्री करती है, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था सब, उनको कोई दिक्कत ना आए इसके लिए पूरी व्यवस्था करती है। दुश्मन देश के यहां भी हमारे देश के एम्बेसडर को या हमारी टीम को उतना ही सुरक्षा सम्मान दिया जाता है। ये तो मेरा देश है, मेरे राज्य है, और संविधान द्वारा निर्मित गवर्नर की पोस्ट है, क्या उसका मान सम्मान मर्यादा उन राज्य सरकारों का दायित्व नहीं है? ये कैसे चलेगा? अब आप कल्पना कीजिए कि केरल के गवर्नर एयरपोर्ट जा रहे हैं और लेट के साथी मिलकर उनको सामने हुड़दंग कर दे, ये क्या शोभा देता है क्या उनकी सरकार को? मुझे तो कभी, मैंने किसी अखबार में कहीं कॉलम पढ़ा, मुझे हमारे गवर्नर साहब तो बेचारे बहुत सहन करते हैं इसलिए बोलते नहीं है, लेकिन आरिफ साहब को जो उनके यहाँ बजटरी प्रोविजन का पैसा मिलना चाहिए, उन्होंने खाना बंद करवा दिया था केरल में गवर्नर के यहाँ। अब आप कल उठ करके इतने गुस्से में आ जाएंगे पॉलिटिकल का, उनकी लाइट बिजली सब बंद कर दो, क्या होगा? मुझे याद है महाराष्ट्र में एक बार गवर्नर को ट्रैवल करना था, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, विमान नहीं दिया, पहले से तय कार्यक्रम था, लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया। यानी आप इस प्रकार से, आप मुझे बताइए, गवर्नर का घर तमिलनाडु में, उनके राजभवन के बाहर बम फूटे, पेट्रोल बम फेंका जाए, क्या राज्य सरकार ये शोभा देता है क्या? और संविधान पदों की जो सैंक्टिटी होती है वो बनाए रखनी चाहिए। मैं तो राज्य में रहा हूं जी, मेरे ऊपर सारे कांग्रेस के गवर्नर थे, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आता था, मैं उनका मान सम्मान रखता था, वो मेरा मान सम्मान रखते थे, और ये सालों से चलता आया है, आवाज सहन नहीं कर पाते हैं जी। अच्छा, गलत होगा वो तो उसका संवैधानिक पद पर है, उसका दायित्व है, वो करेगा अपना जिम्मेवारी। Seeking your attention to Kerala back again. BJP is trying hard to get a foothold in Kerala, and for the last 10 years you are also focusing on Kerala, but it is very difficult to get a terrain there. Why is it so difficult? What are the challenges? पहली बात है कि चुनाव में क्या होता है इसके आधार पर हमारी पार्टी सेवा नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए पिछले दिनों जब भी केरल में कैलेमिटीज आई, सर्वाधिक लोग अगर मैदान में रह करके काम किया तो हमारे लोगों ने क्या किया है, और इसलिए आज स्थिति यह है कि केरल में लेफ्ट की जमीन खिसक रही है, और वहां की जनता को पता चल रहा है कि वहां के मतदाताओं की आंख में धूल झोंकी जा रही है। LDF UDF इकट्ठा हो तमिलनाडु में, LDF UDF आमने सामने लड़ते हो केरल में, अब एशियानेट तमिलनाडु में खबर देगा साथ है, एशियानेट केरल में खबर देगा लड़ रहे हैं, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। 2011 विधानसभा चुनाव NDA को 6% वोट मिला था, 2014 के बाद लोकसभा विधानसभा लोकल बॉडी हर चुनाव में BJP को करीब करीब 15% वोट मिल रहा है, मतलब हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वही एक मापदंड नहीं है। हम जिस प्रकार से वहां के लोगों की सेवा करते हैं, भरपूर सेवा करते हैं, करते रहेंगे, और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस और नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन इसके बीच में लड़ाई है। इन्होंने अब हवा बना दी थी कोविड में, बहुत सफलता की और सबसे ज्यादा लोग वहां मरे, फैल गए, तो आप मीडिया को कंट्रोल करके हवा फैला दोगे, इससे नीचे की स्थितियां सुधरती नहीं है जी। BJP is trying to reach out to the Christian minority in Kerala, but it is not getting the desired levels. What is the पहली बात है कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमें सैद्धांतिक रूप से समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के चलना, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। अब देखिए, गोवा में
कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहां है वोटर सबसे ज्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है। और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूं। हमारे प्रयत्न और ज्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं। अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन शादी है, क्रिश्चियन लीडर्स बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जलना होता है। मेरे यहां क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूं। LDF UDF के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है, और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में, और मैं इतनी मुसीबत में वहां चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूं, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके, अब ये उसका स्वागत करते हैं लोग। और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा मिले, और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फायदा होने की संभावना है। अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है। अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, बड़ी लंबी चर्चा हुई थी, और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर का, और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे, और मैंने तो उनसे कहा कि आप भारत आइए, मैंने निमंत्रण दिया उनको, हो सकता है शायद अगले साल वो अपना कार्यक्रम बना ही ले। And the Congress and the UDF alleges that you are going soft with CM Pinarayi Vijayan and his family, especially in the case of gold smuggling. Your response? ऐसा है कि हमारा मोदी का सॉफ्ट होना या हार्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये काम इंस्टीट्यूशंस करती हैं, स्वतंत्र रूप से करती हैं, और न मेरी सरकार ने न प्रधानमंत्री ने ऐसी चीजों में टांग अड़ानी चाहिए, मेरा सिद्धांत है। जहां तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सवाल है, मैं कहता हूं ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये कोई अलग है ही नहीं। भ्रष्टाचार में डूबी पिनराई सरकार को हमने हमेशा बेनकाब किया है, मेरे यूनिट ने किया है, हमने भी किया है। क्योंकि अब देखिए 15 अप्रैल का भाषण, CMRL के साथ सौदे का मुद्दा उठाया, हमने डिटेल में उठाया, गोल्ड स्मगलिंग मामले में CM ऑफिस की ओर हमने बिल्कुल इशारा किया, साफ साफ बता दिया। कम्युनिस्ट पार्टी दो बुराइयों के उस पर कभी पहचान नहीं थी, न परिवारवाद का आरोप होता था कम्युनिस्ट पार्टी पे, न भ्रष्टाचार का आरोप होता था। आज इन दोनों में केरल कम्युनिस्ट पार्टी औरों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यानी बिहार के कुछ राजनेता और जो बदनाम राजनेता है उससे भी बुरा हाल परिवारवाद का केरल के कम्युनिस्ट पार्टी में दिखता है, उससे भी बुरा हाल दिखता है। अब देखिए CPM ने कोऑपरेटिव बैंक को लूटा है, उसको बेनकाब करने का काम हमने ही किया है, और आने वाले दिनों में भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम भरपूर कह गए। और कांग्रेस केरला में बोलेगी इन्हें जेल डालो, और अगर मैं जेल डालूंगा तो दिल्ली आकर के बयान करेंगे कि देखिए राजनीतिकों के प्रति विंडिक्टिव है। अब ये दो प्रकार की बातें करने वाले लोगों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है जी। And I will ask, like to ask about some projects of the central government, like the housing scheme. It is mandatory that your prime minister picture shall be pasted on the house. In Kerala, people and the political parties feel it's a humiliation for the beneficiaries. Your response to that, please. पहली बात है कोई फोटो वगैरह का विषय है नहीं,
सवाल है उसका नाम, पीएम आवास योजना नाम का सवाल है, उसका एक लोगो होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी हो। बजट जो भारत सरकार का बनता है वो बजट संसद पारित करती है, योजनाओं स्कीम उनके नाम पर पारित करती है। अगर आप वहाँ नाम बदल देंगे तो यहाँ मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट निकलेगा कि केरल में तो पीएम आवास है ही नहीं, आपके पैसे कैसे दे दिए, तो मैं सीएजी को क्या रिपोर्ट दूंगा मुझे बताइए। मेरी जिम्मेवारी है कि भाई सरकार, मुझे पार्लियामेंट ने जो पैसा खर्च करने का हक दिया है वो मैं वहीं खर्च करूंगा क्योंकि सीएजी ऑडिट करेगा। तो हम स्कीम में कोई हमारे नाम के लिए नहीं कह रहे, जिस नाम से स्कीम बनती है, और यहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पीएम तो कोई भी पीएम, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब अटल जी की सरकार थी तब बनी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही, कोई जरूरत नहीं थी बदलने। तो ये पीएम कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है, उसको भी अगर वो विरोध करेंगे तो इसका मतलब आपका नफरत का और निराशा का तत्व कितना दूर है। अच्छा, स्टिकर लगा देने से क्या फायदा है, ये क्या क्यों तनाव पैदा करते हैं। राज्य सरकारों को पास 42% डिवोल्यूशन मिला हुआ है, वो अपनी योजनाएं चलाएं, कौन मना करता है। और इसलिए हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों की जिम्मेवारी होती है। अब केरल को लगता है कि इन जिम्मेवारियों को नहीं निभाएंगे। यू हैव कॉन्सेंट्रेट, मुझे बताइए, हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये योजना बनाई, बजट से हमको उस काम के लिए पैसा मिला हुआ है। अब केरल ने कह दिया हम मंदिर नहीं लिखेंगे। मंदिर का मतलब पूजा कर नहीं है जी। आप मेरे यहां बड़ौदा में जाइए, हाईकोर्ट को वहां कोर्ट जो है उसको न्याय मंदिर कहते हैं। हमारे यहां पहले जो बच्चे उसको जाते थे प्री प्राइमरी तो बाल मंदिर बोलते थे, अब बाल मंदिर को वर्शिप का स्थान थोड़ा है। तो ये आरोग्य मंदिर कहा तो सामान्य हमारे टर्मिनोलॉजी है, वो कहते हम नहीं करेंगे। अब ये तरीका जो है वो नफरत का वातावरण है, वो उचित नहीं है। यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बेटरिंग द रिलेशनशिप विद मिडिल ईस्ट एंड मेनी ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैव ऑनर्ड यू। व्हाई इट हैज हैपेंड नेवर अर्लियर? देखिए, देश का दुर्भाग्य रहा कि पिछली सरकारों ने हमारे वेस्ट एशिया के साथ जो संबंधों को मजबूत करना चाहिए उसकी दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया। हम दो ही काम करते थे, एक ऑयल इंपोर्ट करते थे और सस्ते मैन पावर को मजदूरी के लिए एक्सपोर्ट करते थे। अब ये कोई समझदारी का काम नहीं था। आज हमारा रास्ता बहुत ही मजबूत है और सेलर बायर से जुड़ निकल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। अब हमारा यूएई के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी ये हम आज कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी और सर्विसेज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जगह पे, एजुकेशन सेक्टर हमारी यूनिवर्सिटीज वहाँ काम करने लगी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमारा समझौता हुआ है, फूड प्रोसेसिंग में लोगों यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए। 2015 में मैंने यूएई का दौरा किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। आप जानकर के चौंक जाएंगे, जिस देश में मेरे देश के 25-30 लाख लोग रहते हैं, मेरा केरल सबसे ज्यादा वहां रहता है, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री 30 साल तक वहां नहीं गया था। 30 साल तक मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर उस देश में नहीं जाता है तो मेरे वहां जो भारतीय भाई बहन काम कर रहे हैं उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनको क्या सम्मान मिलेगा, उनको क्या हक मिलेगा। तो मेरे दिल में एक दर्द था कि जहां मेरे केरल के भाई इतनी सारी संख्या में काम कर रहे हैं, मैं उनकी खबर पूछने के लिए जाऊंगा। और मैं गया और पिछले 10 साल में मैं 13 बार मिडल ईस्ट गया हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि इससे हमारे लोगों को, अब जैसे कोविड के समय वहां से लोग भाग रहे थे, ये सभी देशों के लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मोदी जी
ये हमारे ही भाई हैं, आप चिंता मत कीजिए, कोविड में हम उनकी केयर करेंगे। और इन सभी देशों ने, जैसे हम हमारे देश में कोविड के लोगों की केयर करते थे ना, वैसी केयर की। तो संबंधों का ये लाभ मेरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए और मैं दे रहा हूं। अब देखिए, यमन में बहुत भारी बमबारी चल रही थी, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लोग थे, मुझे 5,000 लोगों को इवैक्यूएट करना था। ये संबंध थे ना, तो मैं बमबारी को रुकवाने में सफल हुआ और उस समय मैं उनको लेकर के वापस आया। 2023 में सूडान में भारतीय नागरिक दोनों, और वो तो वहां आंतरिक रूप से दो फोर्सेस लड़ रहे थे, उनको हम निकाल करके। सऊदी जेलों में हमारे ज्यादातर केरल के लोग थे, करीब 850 लोग, 850 लोग जेलों में सड़ रहे थे। मैंने सऊदी से बात की और मेरी रिक्वेस्ट पर 850 लोगों को उन्होंने बरी कर दिया, वो वापस हिंदुस्तान में आ गए, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कतर में 8 नेवी वेटरन्स को फांसी हुई थी, मैं वहां के राजा का आभारी हूं कि उन्होंने उनको पार्डन किया। तो हमारे संबंधों की ताकत होती है। मैं मानता हूं कि हमें, अब देखिए हज यात्रा, मैंने सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस उस समय थे, आए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, हमारे मुस्लिम भाई बहन को हज के लिए कोटा बढ़ाएं। मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कोटा बढ़ा दिया। यूएई में वहाँ के भारतीय समुदाय की मंदिर बनाने की इच्छा थी, मैंने यूएई को रिक्वेस्ट की कि हमारे लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, सिर्फ जमीन चाहिए, आप इजाजत चाहिए। उन्होंने इजाजत भी, जमीन भी दी और कंस्ट्रक्शन में जो भी मदद कर सकते हैं सुविधा की वो की, और भव्य मंदिर आज यूएई में बन गया। लाखों लोग वहां दर्शन यात्रा करने जाते हैं। अभी मुझे फरवरी में वहां उसका उद्घाटन के लिए जाने का मौका मिला। अने मैं मानता हूं कि उन्होंने, शायद कई देश है जिन्होंने मेरा सम्मान किया है, अवार्ड दिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और मैं कहता हूं ये मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, और उसके कारण आज हमारा इतना संबंध बना है, और उसका लाभ, सबसे ज्यादा लाभ मेरे केरल के भाई बहन को मिल रहा है। संबंध तो दिखाई देते हैं, कोई आपको भाई बोलता है, कोई आपको फैमिली मेंबर बोलता है। ऐसे मिशंस कितने मुश्किल होते हैं मोदी जी, क्योंकि मैं, मेरा रुचि क्राइम रिपोर्टिंग में है, एक्सटर्नल इंटरनल डिफेंस में होता है। देखते हैं सब, यूक्रेन से बच्चे आ रहे तो बात करते थे कैसे आए, वो बोलते हैं बस तिरंगा दिखाए और छोड़ दिए हमें। मिशन बहुत मुश्किल मिशन होते हैं। देखिए, आज भारत की एक क्रेडिबिलिटी है, दुनिया भारत को विश्व बंधु के तौर पर यानी फील कर रही है, सिर्फ शब्दों नहीं भाव से फील कर रही है। और किसी भी संकट के समय भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। अब मैंने अभी कावेरी ऑपरेशन चलाया था, मेरे कर्नाटका के सबसे लोग वहां थे, सूडान से मुझे लाना था, उनको हक्की पिक्की बोलते हैं, हाँ, उन सबको हम लेकर के आए जी। और वो तो बेचारे ऐसा काम करते थे मेहनत का कि उनके लिए तो अगर रोजी रोटी बंद हो जाए तो क्या खाना, वो भी मुश्किल था, लेकिन हम लेकर के आए। और इसलिए विदेश नीति का जो पर्सपेक्टिव है वो हमने पूरी तरह बदल दिया है। हमने हमारे नीति में हमारे डायस्पोरा को भी उतना ही महत्व दिया है जितने कि हमारे डायस्पोरा की ताकत है, उसको हमने जोड़ना चाहिए। डायस्पोरा में कोई भी संकट हो, हम कहते हैं भाई पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, मेरे लिए वो हिंदुस्तान की है, ब्लड जो है ना वो हिंदुस्तानी है, अगर हिंदुस्तानी ब्लड है तो मैं उसके लिए करूँगा। पहले डायस्पोरा का या रेस्को मैंने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं था जी, लोग अपना नसीब अपना जाने, वो हमें पूछ करके थोड़े गए थे, ये भाव था पुरानी सरकारों का। मैं कहता हूं नहीं भी वो गया है, अब मेरा काम है, मैं इसकी चिंता करूंगा। और हम एंड टू एंड प्लानिंग करके चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हम लोग। दूसरे देशों के लोग भी हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है जी, एक बार तिरंगा लेके चल पड़े ना, भारत माता की जय बोले, तो कोई पूछता नहीं किस देश का नागरिक है, उसको जाने देते हैं जी। 2015 में यमन संकट हो, सऊदी किंग से बात की और हजारों लोगों को वापस लाने का काम हमने कहा। यूक्रेन संकट आप तो अभी भी ताजी बात है, लोग जानते हैं। इन दिनों मैंने देखा कि शायद किसी कहीं पर
एक कैंडिडेट को चुनाव के लिए जो डिपॉजिट देनी थी, तो यूक्रेन में जो बच्चे वापस आए थे उन्होंने इकट्ठे करके उनको पैसा दिया। तो ये आप देखिए, आपको मालूम होगा, शायद केरल के लोगों को मालूम होगा, फादर टॉम की कथा पता होगा। फादर टॉम लंबे अरसे तक आतंकवादियों के कब्जे, आईसीस के कब्जे में थे। हमने लगातार डिप्लोमेटिक डिक्ले फलाने हर कोशिश की और बहुत लंबे समय के बाद उनको वापस लाए, हम जिंदा वापस लाए। एक बंगाल की बेटी अफगानिस्तान में काम करती थी ईसाइयों के लिए, जुड़ डिसूजा करके, उसका अपहरण हो गया था। अब एक बेटी का अपहरण हो तो घर को चिंता रहती है, हमारे लिए भी चिंता थी, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। महीनों तक वो आतंकवादियों के कब्जे में रही, हमने हर प्रकार के हमारे संबंधों का उपयोग किया, हम उसको सुरक्षित घर लेकर के आ गए। एक फादर प्रेम थे, उस फादर प्रेम को भी उसी प्रकार से, वो तो लंबे अरसे तक रहे थे, और जब फादर प्रेम मुझे मिलने, मैंने उनके घर फोन किया कि उनकी बहन ने उठाया, मैंने कहा आपके भाई आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि तब तक हमने सीक्रेट रखा था। वो मानने को तैयार नहीं थे कि अब तो हम तो सोच रहे थे अब तो जिंदा कभी आएगा ही नहीं। तो ये जो संबंध है उसका उपयोग हम अपने व्यक्तिगत लिए नहीं करते हैं। मेरे देश के नागरिक दुनिया में है, उनके लिए लगना चाहिए कि देश मेरे साथ खड़ा है, ये बहुत जरूरी होता है जी। पहले हम सोचते थे विदेश नीति से आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, सोच ऐसा रहता था, हमसे क्या लेना देना, अब समझ में आ रहा है कि हाँ। अब उनको समझ आ रहा है जी, अब जिस किसी देश के साथ करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया, तो पहले तो ऐसा लगा, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट ऐसा है कि हमारा बार्बर भी अब जाके ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो कर सकता है, हमारा कुक भी ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना है तो कर सकता है ऑफिशियली, और यानी एक प्रकार से हर सामान्य व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी, तो कॉमन मैन के लिए होता है। हेल्थ केयर के ऊपर वापस आपने काफी बात करी, बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर द मिडिल क्लास, और आपने बहुत कुछ किया है। आर यू सेटिस्फाइड विद वेयर वी हैव रीच्ड? ऐसा है, जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूं, मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूं, क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, गरीब परिवारों तक क्वालिटी हेल्थ केयर की पहुंच, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना, हम 60 करोड़ से अधिक लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में, और मान लीजिए केरल का व्यक्ति अहमदाबाद गया, वहां बीमार हो गया, तो सिर्फ उसको मोदी का कार्ड दिखाना है, उसको वहां ट्रीटमेंट मिल जाएगी। उसके रिश्तेदार आए, पैसे लेकर के आए, फिर ट्रीटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। और आउट ऑफ पॉकेट, पहले हमारे यहाँ बहुत खर्च होता था सामान्य नागरिक का, 2014-15 में एवरेज 62% खर्च आउट ऑफ पॉकेट, हर एक को अपने जेब से हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ता था 62%। आज वो कम होते होते 47% हो गया है, मतलब ये व्यवस्थाएं विकसित हुई, सुविधा हुई है। 2014-15 में हेल्थ सेक्टर पर कैपिटल भारत सरकार का जो बजट खर्च होता था वो 1100 रुपीज होता था, आज हेल्थ सेक्टर का पर कैपिटल खर्च करीब करीब 2 गुना हमने कर दिया है। आयुष्मान भारत से लाभार्थियों के 225,000 करोड़ रुपए बचे हैं देश के नागरिकों के, क्योंकि सरकार ने खर्चा किया इससे ज्यादा। कभी कभी परिवार में बुजुर्ग लोग हैं ना, बताते नहीं कि मैं बीमार हूं, क्यों? उनको लगता है बेटे पर बोझ हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। अब वो निश्चिंत होकर के ट्रीटमेंट करा रहा है और 225,000 करोड़ रुपया बचा है।
11,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र, मैंने कहा 80% डिस्काउंट से दवाई देते हैं और वो जनऔषधि केंद्र में 25,000 तक ले जाने वाला हूँ। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मैंने इस बार घोषणा पत्र में कहा, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो, कोई भी सामाजिक, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर है उसको अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उसकी हेल्थ की पूरी जिम्मेवारी, इलाज की जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। इसका मतलब हुआ उसको तो लाभ हुआ ही, लेकिन उसके परिवार को बहुत बड़ा लाभ होता है कि चलो पिताजी दादाजी माँ माता जो खर्चा होता था वो बच्चों के लिए खर्च करूँगा, ये बहुत बड़ा बोझ मैंने कम कर दिया है 10 वर्षों में। अब ह्यूमन रिसोर्स का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त बढ़ोतरी, 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे हमारे देश में, आज बढ़कर के 706 हो गई है इतने कम समय में। 2014 में MBBS सीटों की संख्या करीब करीब 51,000 थी, अब वो 1,00,000 से ज्यादा हो गई है, मतलब ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे, ज्यादा सेवा होगी और डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो गांव को तक ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। PG सीटों की संख्या बढ़कर 2 गुनी से ज्यादा हो गई है, ताकि मुझे आगे चल करके अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर भी मिलेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, पॉलिसी की बात हो, बजट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर को हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया है जी। केरला हैज अ ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल, व्हाट एफर्ट्स विल बी टेकन टू बूस्ट दिस टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ केरला एंड इंडिया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का होने वाला है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फलने, क्योंकि G20 मैंने अनुभव किया, मेरी कोशिश थी कि G20 के द्वारा मेरे राज्यों को दुनिया के सामने एक्सपोजर मिले, दुनिया मेरे राज्यों की ताकत देखे, और इसलिए हमने G20 की 200 के करीब मीटिंगें हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर की, तो दुनिया के लोगों को लगा यार हिंदुस्तान यानी दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान यानी आगरा नहीं, हिंदुस्तान यानी बहुत कुछ है। तो मैंने ग्राउंड बनाने की दिशा में एक के बाद एक, मैं आज दुनिया के कोई भी देश के नेता आते हैं तो मैं उस स्टेट में लेके जाता हूं, ताकि आपने देखा होगा मैं अफ्रीका में एक बेटी की आंख की ट्रीटमेंट केरल में करवाई थी, एक राष्ट्रपति वहां के थे उनकी, बाद में उसका बहुत मैंने ब्रांडिंग किया कि भाई हमारे यहाँ केरल का आयुर्वेद है, आप वहां का जो बीमारी आपकी होती नहीं है आप यहाँ आइए। तो मैं खुद एक प्रकार से ब्राह्मण एम्बेसडर केरल का बन गया हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। अब देखिए केरल में क्या नहीं है, क्या वाइल्ड लाइफ है, क्या बढ़िया समंदर है, कितने बढ़िया पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, यानी मैं मानता हूँ हर प्रकार में, इवन टेम्पल यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म, आप देखिए गुरुवायूर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमला मंदिर, क्या नहीं है जी। उसी प्रकार से भारत का सबसे पुराना चर्च केरल में है, ये टूरिज्म का। उसे चेरामन जुमा मस्जिद है, भारत में बनने वाली वो ये पहली मस्जिद है जी। तो यानी अब हमारे यहाँ मार्शल आर्ट है, कलाराईपट्टनम, दुनिया में क्यों ना जाए, कथकली, मोहिनीअट्टम, क्या नहीं है जी। मैं समझता हूँ टूरिज्म में भी वेलनेस टूरिज्म शायद केरल से बढ़कर के कोई जगह नहीं। आज योग और आयुर्वेद का इतना दुनिया में आकर्षण बना है, आयुर्वेद हेल्थ सेंटर हमारा केरल बन सकता है, यानी केरल एक प्रकार से दुनिया के लिए आकर्षण का नहीं हो सकता है, एक उनको लगे कंपल्सन हो जाएगा उनकी जिंदगी में, एक बार तो केरल जाना चाहिए, यहां तक हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरी कोशिश है बढ़े। और युवाओं के साथ आपके लगाव मोदी जी, अब जो 18 साल का बच्चा है वो जब आप सत्ता में आए थे 8 साल का था, और उसके अलग अलग प्रेफरेंसेस बन चुके हैं, आप भी कंटेंट क्रिएटर के साथ एक प्रोग्राम किया, बहुत सेंस ऑफ प्रेजेंस बहुत बढ़िया था आपका, और हाल ही में गेमर्स के साथ भी आपने एक कन्वेंशनल ये किया, आई मीन व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, वो एक प्रमुख
एक मान लीजिए 21st century जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली मेरा जो एज ग्रुप के व्यक्ति हैं और जिस युग से वो निकल करके आए हैं वहाँ कुछ था नहीं, अगर मुझे सरकार चलानी है तो मुझे इसका प्राइमरी नॉलेज तो होना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मुझे रूटीन में किसी ने पूछा होता गेमिंग तो मैं बच्चों को कह रहा नहीं टाइम खराब मत करो, मैं उसमें डिटेल में जाने लगा, स्टडी करने लगा, तो मुझे लगा कि परसेप्शन ठीक नहीं है। हमें उसको रिस्ट्रिक्शन देने के बजाय हमने उसको चैनलाइज करना चाहिए, प्रॉपर वे में डाइवर्ट करना चाहिए। दूसरा, गेमिंग की दुनिया में आज हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन गेमिंग का मार्केट बाहर के लोग कब्जे में है। मेड इन इंडिया गेमिंग क्यों ना हो, भारत के पास इतनी कथाएं हैं, इतनी चीज़ें हैं हम। और दूसरा, गेमिंग का उपयोग हमारी नई पीढ़ी को हम संस्कारित भी कर सकते हैं, उसको हम जैसे स्कूल कॉलेज में आजकल उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को कि भाई ये तुम्हारा असाइनमेंट है एक हफ्ते में करके लाओ, तो बच्चा बेचारा स्टडी करता है। गेमिंग में ऐसा असाइनमेंट दे सकते हैं और वो अच्छे रिजल्ट आ सकता है। अब आपके शायद कर्नाटका में ही गेमिंग वालों ने एक नदी के गंदगी को लेकर के एक गेम बनाई थी और उसकी सफाई का, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं समझता हूँ उसके कारण लोग जुड़े, ऑनलाइन जुड़े कि हाँ भाई एक नदी गंदी हुई है तो उसको साफ ऐसे किया जा सकता, एक के बाद एक स्टेप करते गए। अब हो सकता है वो उनके संस्कार बन जाए और वो नदी साफ भी करें। तो बहुत सारी अच्छी यानी अच्छी हैबिट्स के लिए, अच्छी सोच के लिए हमें एक अहेड ऑफ द कर्व सोचने की जरूरत होती है। और मैं खुद उनको मिला, उनके साथ मैंने समय बिताया, मैंने ज्यादा बार मैंने उनको कहा मैं एक स्टूडेंट की तरह समझना चाहता हूँ, भाई बताइए मुझे, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता है और मैं देखता हूँ उसका पोटेंशियल है। अब मैं आने वाले दिनों में उस पर सोचूंगा। दूसरा, मेरा अपना स्वयं का मत है कि मैं एक प्रकार से बंधी हुई सोच वाला इंसान नहीं, बंधी हुई जिंदगी जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं नई चीज सीखना, नया चीज प्रयोग करना, ये मेरे फितरत है। अब 2012 में पहली बार मैंने पॉलिटिकल लाइफ में आई वाज शायद फर्स्ट पर्सन जिसने गूगल हैंगआउट किया था। वो गूगल हैंगआउट का उस समय तो कोई पता ही नहीं था। फिर मैंने एक 3D होलोग्राम्स किया था, वो देखा था मैं 3D होलोग्राम। दुनिया के लोग, मैं जब भी उसके बाद जाता था, मुझे दुनिया का कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे पूछा नहीं कि 3D होलोग्राम क्या करते कैसे हो, और बोले ये जो नाचगान वाले होते हैं वो डांसिंग वगैरह उसमें तो कर लेते हैं, ये कैसे करते हैं आप। जब मैं उनको बताया कि मेरा इतना बड़ा देश है, इतनी लैंग्वेज, अब जैसे आप देखिए मेरा नमो इन कन्नड़ा, नमो इन मलयालम, नमो इन तमिल, तो मैं AI का उपयोग कर रहा हूँ इन दिनों। और मेरा ऐप भी AI का यूज अपनी तरह का बेहद खास ऐप है। इवन आपके मेरी फोटो आपके साथ कभी निकली होगी, आप नमो ऐप पर जाकर के AI टूल का मेरा उपयोग करोगे और अपनी खुद की फोटो लगाओगे तो मेरे साथ जितनी फोटो है आपकी पिछले 30-40 साल की सारी फोटो एक साथ आपको मिल जाएगी। तो मैं AI का उपयोग करता हूँ। तो मैं उसी प्रकार से देखिए जी, एक कंटेंट क्रिएटर्स है वो भी देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट होते हैं और ग्लोबली वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जी। और तो मुझे उनके सामर्थ्य को जानना चाहिए, फर्स्ट हैंड जानना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, मैं चाहता हूँ देश के ग्रोथ में वो भी अपना रोल कोड करें। और स्वाभाविक है कि ये यंग जनरेशन से जुड़ी है तो मुझे भी अपने आप को उसी उम्र के लेवल पर ले जा करके तैयार करना पड़ता है। देश में VIP कल्चर की तो बहुत लेगेसी है और आई हैव नोटिस्ड उसके बारे में काफ़ी बात होती है, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, आपका क्या कहना उसके बारे में? ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये VIP कल्चर का ओरिजिन जितनी मेरी समझ है एक कॉलोनियल काल से एक प्रकार से जुड़ गया, अंग्रेजों के लिए एक प्रकार के कानून
सामान्य जनता के लिए दूसरा कानून, उनका रहन सहन एक, बाकियों का रहन सहन एक, उनकी जगह एक बाकी की, उनकी गाड़ी निकलेगी तो अलग, उनका टांगा निकलेगा तो अलग, ये एक प्रकार से। और अंग्रेजों के जाने के बाद ये सब जाना चाहिए था जी, लेकिन नहीं गया, हमारे नेताओं ने उसको जारी रखा। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया 9 लाल बत्ती, मैंने कैबिनेट निर्णय किया है कोई लाल बत्ती रेड लाइट नहीं होगी, गाड़ियों पर ये चलते हैं और सायरन बजाते हैं जुम 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 करके, क्या मतलब है। मैं गुजरात में था, मेरे सभी मिनिस्टर को नियम था कि कोई सायरन नहीं बजाएगा, बहुत बड़ा ट्रैफिक हो जरूरत पड़ गई तो थोड़ा हल्का सा एक करके बंद करो भाई, ये कौन हम बड़े बादशाह हैं कि हम सायरन बजा के चलेंगे। देखिए मैं मानता हूं अब VIP नहीं, मेरे लिए तो EPI है, और जब मैं EPI कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और यही हो रहा लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में VIPism को खत्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीजें जरूरत पड़ती है, वो तो मैं समझ सकता हूं कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी ऐसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे, ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है, लेकिन हमारा कुछ अब देशी वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सक रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊंगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ, उसने आखिरी जीवन में कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा एक वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई, और उस दिन मैं था और आप गाड़ी में, जिस गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी भी बहुत मामूली सी गाड़ी थी, मैं देख रहा था उस दिन, और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी स्मशान गृह होता है पब्लिक का वहीं किया। तो VIP कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूं मैं करता हूं, और मैं मानता हूं अब जैसे रिपब्लिक डे परेड हमारे इन्वाइटी कौन होते हैं, मैंने जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया ना, इन सबको मेरा स्पेशल गेस्ट बनाया था। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं वाइस कन्वोकेशन के लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी वालों को कहता हूं कि पहली 50 सीट मेरे गेस्ट के लिए चाहिए, तो कहते हैं कि 50 सीट साहब, तो उनको जरा ये रहता है कि 50 सीट, मैं 50 सीट मांगता हूं और फिर मैं कर रहा हूं उस यूनिवर्सिटी के नजदीक में जो झुग्गी झोपड़ी होती है वहां जो स्कूल होती है उन बच्चों को मैं कॉन्वोकेशन में बिठाता हूं। सीइंग इज बिलीविंग, उसी समय उसके मन में होता है मैं भी कैसे ऐसा टोपा पहन के जाऊंगा, मैं भी ऐसा कुर्ता पहन के जाऊंगा, मैं भी ऐसा सर्टिफिकेट लूंगा, ये मैं संस्कार करता हूं। तो मेरे लिए आप देखिए, पहले स्कूल में प्रवेश के लिए MP का कोटा रहता था, मैंने खत्म कर दिया। इवन हज यात्रा के लिए जी कोटा रहता था, मैंने वो भी खत्म कर दिया। हमारी पार्लियामेंट की कैंटीन, सब अखबार वाले दुनिया भर की चीजें लिखते थे मुफ्त, मैंने सब कैंटीन की सब्सिडी खत्म कर दी, अब MP पूरा पैसा देता है। तो देखिए हमने पद्मश्री, देखिए स्टडी हो रहा है आज के, पद्मश्री की तारीफ हो रही है, क्यों? ऐसे ऐसे लोगों को मैं खोजता हूं जी, ये पीपल्स पद्म बनना चाहिए, वरना पहले ज्यादातर पद्म दिल्ली में ही जाते थे, वो वही जो नेताओं का परिचय रहता था उन्हीं को जाता था, सब बदल दिया हमने। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये जी, समाज जीवन की ताकत का एक बहुत बड़ा, और इसमें राजनीति नहीं है जी, इतना बड़ा देश है। अब जैसे मन की बात आप सुनते होंगे, मैं उन छोटे 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 लोगों की जिंदगी को जो भी मेरे पास जानता हूं मैं उसको एम्पलीफाई करता हूं, दुनिया के सामने बताता हूं मेरा देश उसकी ताकत। मोदी जी, चुनाव टाइम में इतना समय निकाल के हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईशान का बहुत आभारी हूँ, और केरल का चुनाव महत्वपूर्ण है, उस प्रकार उस समय केरल की महत्वपूर्ण चैनल से बात हो, कन्नड़ा की महत्वपूर्ण अखबार, आप सब यहाँ आए, मैंने अपनी बातें बताने का प्रयास किया है। लेकिन मैं मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव को सामान्य न लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है।
गर्मी बहुत है, फिर भी मतदान अवश्य करें। मैं सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, इन चुनावों के दिनों में हमने देखा पत्रकारों की सबसे ज्यादा दौड़ धूप होती है, सबसे ज्यादा फील्ड में दौड़ते हैं, उन पत्रकारों को भी, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत पानी पीजिए, इस धूप में इतना काम करते हैं, अपने आप को संभालिए। धन्यवाद।